हे गाइस नमस्कार दोस्तों, मैं देवा राजपूत मेरे यूट्यूब चैनल डीएसआर देवा म्यूजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं पसूरी सॉन्ग। पसूरी सॉन्ग को कीबोर्ड पर अच्छे से प्ले करना सीखने के लिए मेरे ट्यूटोरियल वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। चलिए अब हम पसूरी सॉन्ग को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखना स्टार्ट करते हैं। गाइस पसूरी सॉन्ग की पहली लाइन हम डी नोट से प्ले करना सीखते हैं, देखिए। ठीक है, अब सेकंड लाइन बी नोट से। अभी फिर से देखिए, मैं आपको एक और बार ये दोनों लाइनें प्ले करना सिखा देता हूँ। सबसे पहली लाइन डी नोट से, ठीक है, अब सेकंड लाइन बी नोट से। राइट, अब इसके आगे की तीसरी लाइन हम सी शार्प नोट से प्ले करना सीखते हैं। लाइन इस ई नोट से, बट ये लाइन थोड़ी सी टफ है तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए तीसरी और चौथी लाइन को। तीसरी लाइन सी शार्प नोट से। राइट, अब चौथी लाइन इस ई नोट से। फिर से देखिए इस चौथी लाइन को। अभी दोस्तों यहां पर हमने चार लाइनें प्ले करना सीखी, 1 2 3 4। इन फोर लाइंस को हमें एक बार फिर से रिपीट करना है, वर्डिंग चेंज होगी बट ये लाइनें सेम टू सेम है। देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन बी नोट से, लाइन सी शार्प नोट से, अब चौथी लाइन ई नोट से। ठीक है, अब हमने जितना प्ले करना सीखा ये पूरा एक साथ कैसा प्ले होगा जैसा सॉन्ग में प्ले होता है, देखिए मैं आपको प्ले करके बताता हूं। बार रिपीट करना है। राइट, अब यहां पर हमने इतना प्ले करना सीख लिया। अब इसके बाद आएगी मेन लाइन जिसकी वजह से सॉन्ग फेमस हुआ था, रबच बावच। ठीक है, ये वाली लाइन हम इस बी नोट से प्ले करना सीखते हैं, देखिए। ठीक है, एक और बार देखिए। राइट, ये लाइन टफ है इसलिए मैं आपको फिर से सिखा देता हूं सिंगल फिंगर से, देखिए। ठीक है, अब इसके आगे की लाइन हम इस ई नोट से प्ले करना सीखते हैं, देखिए। ठीक है, फिर से देखिए इस लाइन को। अब ये रबाच बाबाच यहां से लेकर मैनू ना रोके, ठीक है, ये पूरी लाइन हमें एक साथ प्ले करना है। देखिए मैं आपको एक साथ स्लो मोशन में प्ले करके बताता हूँ, हो सके तो आप भी मेरे साथ प्ले करने का ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बी नोट से। देखिए फास्ट प्ले करते हैं। ठीक
है दोस्तों, अभी हमने यहाँ तक सॉन्ग प्ले करना सीख लिया। अब इसके आगे मेरे ढोल जुदाइयां दी, ये वाली लाइन आएगी और ये लाइन हम बी नोट से ही प्ले करना सीखते हैं। देखिए, ठीक है, फिर से देखिए इस लाइन को। राइट, इस लाइन को हमें दो बार रिपीट करना है। देखिए, अब इसके आगे की लाइन सी शार्प नोट से, राइट, ये लाइन टफ है, सी शार्प नोट से जो हम प्ले कर रहे थे टफ है। देखिए फिर से एक बार, अभी हमने जितना प्ले करना सीखा इन सभी लाइनों को एक साथ कैसे प्ले करेंगे देखिए। ठीक है, जितना भी हमने प्ले करना अभी सीखा इसको भी एक बार आपको रिपीट करना। देखिए, यहाँ पर हमने इस सॉन्ग के तीन पैटर्न सीखे। अब इन तीनों पैटर्न को एक साथ कैसे प्ले करना है देखिए, मैं आपको स्लो मोशन में पूरा सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ एक साथ, जितना हमने प्ले करना सीखा है। देखिए, सबसे पहले पहला पैटर्न, ठीक है, इसको हमें दो बार रिपीट करना था। अब इसके आगे का पैटर्न रबाच बाबाच वो वाली लाइन, ठीक है, वो बी रूट से, अब इसके आगे मेरे ढोल जुदाइयां दी, ये तीसरा पैटर्न है। इस पैटर्न को भी हमें दो बार रिपीट करना है। अब दोस्तों, ये पसोरी सॉन्ग का ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।